साहब बताइए, सभी लोग कैसे हैं? आज मैं आपको अपने इन कबूतरों का शौक करा रहा हूँ, अपने लॉफ्ट का शौक भी कराऊंगा। और आज मौसम भी अच्छा है, दोपहर का टाइम है, तो वीडियो ज़रा कुछ अच्छी बनेगी आज। और मैं आपको ये लॉफ्ट जो मेरे तीन बने हुए हैं और ऊपर बने हुए हैं, ये कब और कैसे इस्तेमाल करता हूँ और किस लिए तीन लॉफ्ट बनवाए हैं, ऊपर चौथा लॉफ्ट भी है एक। उसके अलावा घर के आसपास का नज़ारा आपको आज मैं सब अंदर बाहर से कराऊंगा, जो भी छतें आसपास की हैं। उसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, मेरी ऑल यूपी कप की तैयारी है, जो 51 कबूतरों का उड़वा लखनऊ वालों की तरफ से उड़ाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ देसी कबूतर उड़ाए जाएंगे, पंजाबी कबूतर या क्रॉस कबूतर नहीं उड़ाया जाएगा। और वो जज ही डिसाइड करेंगे कि अगर कोई जरचा या मकोया लग रहा है उन्हें कि पंजाबी है, तो वही लोग डिसाइड करेंगे। तो 9 नवंबर की डेट मिली है बिजनौर वालों को, जिसमें 5 घंटे का बॉर्डर होगा। चलो, ये सब चीज़ बातें तो हो गई। अब मैं आपको, देखिए, अब ये मेरे कबूतर तैयार हैं उड़ान के लिए। इसमें से आधे ही कबूतर उड़ने वाले हैं, बाकी आधे तो मेरे जोड़ों के या पुराने कबूतर हैं, जो कि वैसे ही वो इस तरह के हैं। देखिए, अब मैं आपको एक अपना लॉफ्ट दिखा रहा हूँ, ये तीसरे लॉफ्ट में आपको, जिसमें छोटा किवाड़े कबूतर दिखाई दे रहे हैं कुछ। ये कबूतर जो हैं, ये मादीने हैं, फीमेल्स हैं, जो कि अभी फ़िलहाल ये सारे जितने खुले हुए हैं, इसमें से ये सारी इसमें सारे नर ही हैं। मेरे ख्याल 10-15-20 मादीने होंगी, जो कि वैसे ही नरों का दिल बहलाने के लिए छोड़ी हुई हैं, जो कुछ तेज़ नर हैं। और देखिए, ये सब मादीने बंद हैं, जितनी मैं दिखा रहा हूँ सब ये मादीने बंद हुई हुई हैं। और उसके अलावा देखिए, ये वाला लॉफ्ट जो है, नर बंद होते हैं इसमें जोड़ों के, इसमें मादीने बंद होती हैं रूप जोड़ों की। और ये तीसरा लॉफ्ट जो है ना मेरा, इसमें उड़ान के टाइम पे सिर्फ उड़ने वाले कबूतर, वो नर या मादीन। अब देखिए, ये ऊपर वाली छत है, ये ऊपर वाली छत पे ये वैसे ही शॉर्टकट वाली धामली बनाई हुई है, वैसे ही टेम्पोरेरी कबूतर यूज़ करने के लिए। कोई टर्रा वर्रा लड़ाई झगड़ा कर रहा है नीचे, तो उसे ऊपर डाल दो, अपना हिलावा टर्रा कबूतर है, कोई खुला छोड़ दो, कुछ कर दो। देखिए, आसपास की छतों का नज़ारा देखिए, ये मेरी छत काफ़ी ऊंचाई पर है, तो इससे देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा आ रहा है आसपास की छतों का। देखिए, ये है वो जाल, इसमें जो कबूतर पड़े हुए हैं, ये पिछला साल टर्रे निकले थे, तो मैंने ऊपर डाल दिए। मैंने छत घेरो, रात वात को कबूतर उड़ा रह जाता तो ज़रा लाइट लगा के खोल दो, तो किसी तरह का डर नहीं, बस ये काम आते हैं। या कोई भाग जाए कबूतर तो खोल के चले जाओ। देखिए, ये कैसी फेंसिंग कराई हुई है, ये रेलिंग लगाई हुई है मैंने, ये छत जो है धामली की है, और नीचे का एरिया है। ये देखिए, कबूतर रेडी किए हुए हैं मैंने, अभी तक किसी कबूतर के मैंने पर नहीं खींचे, क्योंकि पर खिलाई पिलाई अच्छी हो तो पर खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद 10वीं घर तक पे पहुंच गए हैं मेरे कबूतर। बस कुछ बच्चे छोड़े थे मैंने सहारनपुरी के शौक के लिए, उनमें से कुछ बच्चों के पर मुझे खींचने पड़ेंगे। अभी मैंने कोई पर खींचा नहीं वैसे, क्योंकि अभी अरेंजमेंट करना है। ये कोने की धामली में सिर्फ उड़ने वाले कबूतर छोड़ता हूँ, ये कोने की जो, यानी कि बड़े, ये जिधर फड़फड़ाने हैं उधर से अपोजिट डायरेक्शन में कोने पर आ जाओ आप, वहाँ से उड़ने वाले कबूतर रहेंगे, उसमें नर मादीन दोनों, बाकी दो धामलियों में सेपरेट हो जाते हैं नर और मादीन अलग अलग, जो करो वरना। और ये भाई साहब बाहर वैसे ही ये दवाई ववाई रखने के लिए बनाई है, कोई बीमार कबूतर बंद करने के लिए बना देते हैं, ये जो खाले से दिख रहे हैं। और बस आपसे यही वो है कि आप थोड़ा सा